हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोई भी वाल प्राइमर है, ये या फिर एशियन का हो या फिर नेरलैक का हो या फिर इंडिगो का हो, आप उसमें कलर बना सकते हैं या नहीं। जैसे हम नॉर्मल पेंट में एस हो, सुरक्षा प्लस हो या फिर किसी भी कंपनी का कोई भी इमल्शन पेंट हो, क्या हम उसमें जितना कलर बनाते हैं या उसमें जितना हमें कलर ऑप्शन मिलता है या फिर हम जैसे उसमें कलर बनाते हैं, क्या हम वैसे ही प्राइमर में कलर बना सकते हैं या नहीं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे प्राइमर में अगर आपको कलर बनाना तो बना सकते हैं या फिर आपको प्राइमर में कलर बनाना चाहिए या नहीं। तो कोई भी जब कलर बनाने जाते हैं या फिर इमल्शन में किसी भी ब्रांड का हो, तो वैसा नहीं है कि हम हर एक कलर के लिए हम सेम पेंट यूज करते हैं। उसके लिए अलग अलग बेस आता है। जैसे अगर आपको कोई लाइट कलर बनाना है तो उसमें व्हाइट बेस आता है। अगर कोई आपको मीडियम डार्क कलर बनाना है तो उसमें इंटरमीडिएट बेस आता है। अब वैसे ही अगर कोई आपको सनराइज कलर इस टाइप का कोई कलर बनाना है तो उसमें येलो बेस यूज होता है। वहीं अगर आपको रेड वगैरह सिगमेंट पर कोई कलर बनाना है तो हम वहाँ पे रेड बेस का यूज करते हैं। बट प्राइमर में क्या होता है कि प्राइमर में आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाइट ही आता है, उस पर कोई भी बेस वेरिएंट नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ व्हाइट आता है। तो जब भी हम कलर बनाने जाते हैं तो आपको या तो दो ही तरीके मिलते हैं, या तो आप सिंपल सी मशीन से बनवाएं, कोई भी कलर आप बनवाना चाहते हैं तो मशीन से बनवाएं, या फिर जो भी कंपनियां हमें स्टैंडर्ड देती हैं फास्ट ब्लू, फास्ट रेड, फास्ट ऑरेंज, येलो ऑक्साइड, फास्ट ग्रीन, इसके हेल्प से कोई भी कलर आप बना सकते हैं। तो पहला जो केस है जिससे हम मशीन से बनाते हैं, तो कोई भी किसी भी ब्रांड का अगर आप प्राइमर लेते हैं तो उसमें आप मशीन से कलर नहीं बना सकते हैं। अगर आप बनाते हैं तो वो प्रॉपर कलर नहीं आएगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ लाइट कलर आप बना सकते हैं। जैसे व्हाइट बेस में जो भी व्हाइट बेस है, एशियन का एशियन 2 है, सुरक्षा प्लस का एशियन 1 है, या फिर अगर आप बात करें JSW पिक्सा की तो PE1 है, इस तरह से जो भी व्हाइट बेस है आप उसको उसके जगह पे प्राइमर का लगा करके आप कोई भी लाइट कलर बना सकते हैं। बट जो भी मीडियम डार्क के लिए इंटरमीडिएट बेस या इस तरह से कोई भी येलो बेस की रिक्वायरमेंट है किसी को कलर बनाने के लिए, तो आप वहाँ पे मशीन से प्राइमर में कलर नहीं बना सकते और वो उसकी लाइफ भी नहीं मिलेगी। तो फिर हम बात करते हैं कि स्टेनर से आप प्राइमर में कैसा कलर बना सकते हैं। तो अगर स्टेनर से हम कलर बनाने की बात करें तो उसमें कोई भी प्राइमर में आप कलर बनाते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ लाइट कलर ही बना सकते हैं, या फिर ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप डालते हैं किसी भी तरह का स्टेनर तो वहाँ पे कलर आपको डार्क आएगा, बट जो कलर की लाइफ होगी या जो उस कलर का नॉर्मली जो वाल पे लाइफ होगा वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। आप उसको एक्सटीरियर में अगर लगाते हैं तो हो सकता है कि 6 महीने के बाद वो कलर डल पड़ने लगा, या ये भी हो सकता है कि वो आपको कलर कम्प्लीटली पूरी तरीके से वहाँ रिमूव हो जाए और सिर्फ व्हाइट व्हाइट ही देखे, या फिर वाल पे आपको फैडनेस भी दिखने मिल सकता है। तो क्या हमें प्राइमर में कलर बनाना चाहिए या नहीं। तो देखिए, जब भी हम कोई ऐसा कलर बनाते हैं जैसे हमें वाल पे 2 कोट या 3 कोट लगाने के बाद भी वो कलर नहीं बैठता, उस केस में या वैसा कलर लगाने में हमें प्राइमर में कलर बनाना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो हम नेक्स्ट टॉप कोट पे कोई भी मल्सर पेंट लगाते हैं वो एक कोट में अच्छे से बैठ जाता है। या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा बहुत ज़्यादा बजट नहीं होता तो हम चाहते हैं कि छोटे बजट में एक बेहतर पेंट कर ले, या फिर हमें पेंट को डबल कोट ना लगाना पड़े। तो वैसे वैसे केस में आप प्राइमर में भी कलर जो आप एक्सटीरियर पे लगाना चाहते हैं, जैसे मान के लिए आप एक्सटीरियर पे पिंक लगाना चाहते हैं, तो जब भी आप प्राइमर लगा लें तो उसमें रेड स्टेनर के हेल्प से उसको हल्की पिंक कर लें, उसके बाद उसको आप कोई भी जो इमल्सर लगा रहे हो वो एक कोट ही लगाते हैं तो आपको वो कलर बैठ जाता है और आपको अच्छा दिखने लगता है। बट वैसे कोई प्राइमर है जहाँ पे आपको कोई कलर नहीं लगाना है या फिर इस तरीके से कोई इमल्शन पेंट नहीं लगाना, डायरेक्ट प्राइमर करना, तो आप उसमें कलर लगाने से बचे, या फिर वो उसकी जो लाइफ होती है वो आपको प्रॉपर लाइफ नहीं मिलेगी। तो कहीं पे भी अगर आप प्राइमर में कोई कलर बनाने की सोच रहे हैं तो आप वहाँ पे सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि जो भी स्टेनर आता है या फास्ट रेड, फास्ट ब्लू, फास्ट ग्रीन, इस तरह का कोई भी स्टेनर आता है उसके हेल्प से आप कलर बना सकते हो और लगा सकते हैं। बट उसमें आप सिर्फ और सिर्फ लाइट ही कलर ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं ले सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हमारे बारे इसी तरह से आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।